समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके, इसलिए जो करना है वो आज से ही शुरू कर दें। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बहुत समय का जान रहे हैं कि किस तरह से अभाव है। एक तो लॉकडाउन चल रही है, इस बीच में बहुत सारे सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, कोचिंग क्लासेस सब अभी ऑफ है। तो आप इस बीच लॉकडाउन के बीच अपने घर में ही रह के अच्छे से पढ़ाई करें, समय बर्बाद ना करें। ये समय वापस नहीं आएगा, ये जो आपका आज का भी दिन जो जा रहा है ये वापस कभी नहीं आएगा। अप्रैल मई 2020 दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप इस टाइम में अच्छे से रहकर ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाएं और पढ़ाई करें। आपका चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और उसी तरह मेहनत करते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट के रिकमेंड पर आज हम आपके लिए एक मास्टर वीडियो लेके आए हैं, जो सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर्स है, क्लास 6 to 8, यानी 6 से लेकर 8 क्लास तक के ये बच्चों के लिए है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक के बच्चों को भी फ़ायदा हो सकता है। कहने का तो है सभी क्लास को फ़ायदा होगा, लेकिन स्पेशल ये जो है 6 और 8 क्लास के लिए जनरल नॉलेज है। ये जनरल नॉलेज उनके बुक से लिया गया है, इसलिए हम यहाँ 6 से 8 क्लास का दिए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन जो है आपके बुक से लिया गया है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक हैं जिनको कि हम क्लास में समझाएंगे, वो आप यहाँ पर ज़्यादातर समझ नहीं पाएंगे, उसको क्लास में अच्छे से हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ जो आपका वन लाइनर आपके बुक से जो है उसके बारे में हम दिए हैं, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। तो अच्छे से आप लोग पेन और कॉपी अपने सामने रख लें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा आपको वीडियो पॉज करके लिख लेना है, उसको नोट डाउन कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा अलग से उसको भी नोट डाउन करना है। ये आपके बुक में जितना है उससे भी थोड़ा हम ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि आप लोग का ये 6 और 8 क्लास का, 6 से लेकर 8 क्लास का मास्टर वीडियो है जनरल नॉलेज का, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन जो 6 को फ़ायदा होने वाला है, 7 को फ़ायदा होने वाला है, 8 क्लास को भी फ़ायदा होने वाला है। जो 6 नहीं जानते होंगे, 7 क्लास नहीं जानते होंगे, 8 क्लास नहीं जानते होंगे, वो सारे को नोट डाउन करें और उसको लिखने के बाद उसको रिविज़न करें, याद करें, बार बार याद करें, क्योंकि ये आपका बुक का है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज लोकेटेड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पूछा जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है, बहुत बार हम करेंट अफेयर्स में भी बताए हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में है, और इसका जो ओल्डेस्ट नेम था हेली नेशनल पार्क, इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो है हेली नेशनल पार्क, जिसको कि 1936 में, यानी 1936 में इसको बनाया गया था, एक नेशनल पार्क बनाया गया था। अब इसकी एरिया की अगर बात करें, उत्तराखंड में जो है हेली नेशनल पार्क, ये ओल्डेस्ट नेम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अगर पूछ दिया जाए विच इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो हेली नेशनल पार्क 1936 में इसको बनाया गया था। यह एक नेशनल पार्क है और यहाँ पर भी बहुत सारे जानवर को रखा जाता है, टाइगर वगैरह भी रहते हैं यहाँ पर। तो इसकी अगर एरिया की बात किया जाए तो 520 स्क्वायर किलोमीटर इसकी एरिया है, किसकी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाए, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, और ये सब बहुत यहाँ पर ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं नैनीताल, तो इसको याद रखेंगे। और इसका फॉर्मेशन, अगर उत्तराखंड की फॉर्मेशन की बात किया जाए, यानी ये इसका स्थापना कब हुआ था, 9 नवंबर 2000, यानी 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 27वां राज बन के ये तैयार हुआ था उत्तराखंड। और ये किससे अलग हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश यूपी से अलग हुआ था, 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ एक नया स्टेट उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड 13 डिस्ट्रिक्ट के साथ बना था, 13 डिस्ट्रिक्ट का है जो, ये 13 डिस्ट्रिक्ट जो है ये सब पहाड़ी वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ माउंटेन हिल ज़्यादातर मिलता है, और यहाँ का इसलिए मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। कभी आप जाएँ, मौका मिलेगा तो उत्तराखंड ज़रूर जाएँ। यहीं पर जो है बहुत सारे रिवर यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से,
जैसे गंगोत्री से गंगा, यमुनोत्री से यमुना, तो बहुत ऐसे जगह आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आप इतना सारा फैक्ट उत्तराखंड से एक क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर इज लोकेटेड सरिस्का नेशनल पार्क? सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसकी एरिया की अगर बात किया जाए सरिस्का नेशनल पार्क की, तो 881 स्क्वायर किलोमीटर यानी 881 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का एक जिला है जहाँ पर कि ये सरिस्का नेशनल पार्क है, जिसकी की एरिया 881 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का अगर पूछा जाए फॉर्मेशन कब हुआ, मतलब ये बना कब, एक स्टेट कब बना, तो फर्स्ट नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का गठन हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज लोकेटेड हजारीबाग नेशनल पार्क? हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ है, ये भारत के किस जगह है? तो झारखंड एक स्टेट है जो कि उसी में है, हजारी वहीं पर है हजारीबाग नेशनल पार्क। अगर इसकी एरिया की बात किया जाए हजारीबाग नेशनल पार्क की, तो 184 किलोमीटर स्क्वायर यानी 184 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो है झारखंड का स्थापना कब हुआ फॉर्मेशन, 15 नवंबर 2000 यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुआ। और ये 13वां राज्य बन के तैयार हुआ, 13th स्टेट बन के ये तैयार हुआ। तो हजारीबाग नेशनल पार्क याद रखेंगे कहाँ है, झारखंड में। एरिया की बात करेंगे 184 स्क्वायर किलोमीटर, फॉर्मेशन की बात करेंगे तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और कितनावां राज्य बना, ये 13वां राज्य बन के तैयार हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सबसे पहले देखिए आपको पूछा जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, तो ये भी आपको डिफरेंस समझना होगा। नेशनल पार्क में वैसे सब जानवर को रखा जाता है जो नॉर्मली सभी जू वगैरह में मिल जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको ये जो जंगली जानवर या इसको वन्य जीव अभ्यारण कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, यहाँ पर ज़्यादातर कोई इसका जो जंगल होता है इसका फिक्स एरिया रहता है, बट इसमें चारों बगल से घेराई नहीं रहता, मतलब बाउंड्री नहीं रहता है। ये खुद मतलब यहाँ पर देखते होंगे जू वगैरह में, नेशनल पार्क वगैरह में दूसरे जानवर के लिए अलग एक बना दिया गया है रूम टाइप में, घेर दिया गया है जाली वगैरह से, फिर दूसरे जानवर के लिए अलग, पक्षी के लिए अलग। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर किसी को कोई बाउंड्री से घेरा नहीं जाता है, यहाँ सभी जानवर पेड़ मतलब पक्षियाँ वगैरह इधर से उधर जंगल में घूमते रहते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप समझ गए होंगे, यहाँ तक ज़्यादातर जाना जानलेवा हो सकता है, यहाँ जंगली जानवर हमेशा घूमते रहते हैं, यहाँ पर किसी का एरिया फिक्स नहीं है कि वो उतना ही भर रहेगा। और लेकिन नेशनल पार्क में क्या रहता है कि सबका एरिया बाउंड्री बाय बाउंड्री बना रहता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं होता है। आई होप ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है। चलिए तो आप क्वेश्चन जो आपका है उसको डिस्कस करते हैं। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया के किस स्टेट में भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी भीम बांध जंगली जीव वन्य अभ्यारण्य, ये आपका गुजरात में है। गुजरात जिसमें कि इसका एरिया है 4954 किलोमीटर स्क्वायर, यानी किसका है, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है ये जो गुजरात में है। और गुजरात की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1972 में, गुजरात एक स्टेट बन के तैयार हुआ। और ये गुजरात की स्थापना दिवस नहीं है, सॉरी ये गुजरात की एस्टेब्लिश नहीं है, ये है वो भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग इग्नोर करें और इसको समझने की कोशिश करें। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो स्थापना हुआ था एस्टेब्लिश, ये 1972 में हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट आने से पहले। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, जिसके बाद से टाइगर को भी संरक्षित करने लगा, टाइगर को ज़्यादा मतलब उसको पकड़ना और मारना बैन कर दिया गया। तो इसके लिए 1972 इससे याद कर सकते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट से एक साल पहले 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ भी टाइगर वगैरह पाया जाता है। और अब गुजरात की फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गुजरात, 1 मई 1960 यानी 1 मई 1960 को, अभी एक जस्ट स्टेट का मतलब डिस्कस किए हैं
लेकिन वो मई नहीं है, वो नवंबर है, फर्स्ट नवंबर। और 1956 में ये राजस्थान है, इसको भी आप अलग अलग देखें। फर्स्ट नवंबर 1956 में राजस्थान की स्थापना हुआ था, उसी के चार साल बाद फर्स्ट मई 1960 में इसकी गुजरात की स्थापना हुआ था। और राजस्थान की स्थापना कब हुआ था? राजस्थान का स्थापना फर्स्ट नवंबर 1956 में, और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में, और इसका जो है गुजरात की स्थापना फर्स्ट मई 1960 में, 1 मई 1960 में। चलिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस इंडिया के किस स्टेट में है? तो तमिलनाडु में है, याद रखेंगे। और ये किस जगह पर है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी में है, नीलगिरी हिल्स है उसी के आसपास ये मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप समझ गए हैं, तो इसको अपने माइंड में इसका इमेज बना लें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। और इसकी एरिया की बात करें, 150 किलोमीटर स्क्वायर है, 150 वर्ग किलोमीटर मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एरिया है, और ये तमिलनाडु में है। और शहर की बात किया जाए तो कोयम्बटूर सिटी में, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो वो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर है। चलिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन? यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएन से सिर्फ यूनाइटेड नेशंस नहीं समझिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें पूछा जा रहा परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, अस्थाई मेंबर, तो ये 5 मेंबर होते हैं जो अस्थाई मेंबर यानी परमानेंट मेंबर है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर से बात करते हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 5 कंट्री है जिनको कि वीटो पावर भी मिला हुआ है। और वीटो पावर आप जानते हैं, जो कि परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनओ में, उसी को वीटो पावर दिया जाता है ताकि कोई भी सवाल जवाब पर उसको उसका कंट्राडिक्शन कर सके। तो टोटल अगर बात किया जाए कि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो 15 मेंबर हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में 15 मेंबर हैं, जिसमें कि 10 जो मेंबर हैं वो नन परमानेंट हैं। नन परमानेंट मेंबर मतलब होता है कि वो अस्थाई मेंबर हैं। नन परमानेंट मेंबर 10 कंट्रीज हैं, और 5 जो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने परमानेंट मेंबर हैं, तो वो 5 है, आप इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ दिया जाता है आपको। परमानेंट मेंबर नहीं पूछ के पूछ दिया जाता कि कौन कौन से कंट्री के पास वीटो पावर है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। चलिए सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, हाउ मेनी जजेज आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेज होते हैं? तो याद रखें 15 जजेज होते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, यानी इसको कहा जाता है ICJ, शॉर्टकट में ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें 15 जजेज होते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग, ये जो है नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड में है, याद रखेंगे, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। और इसकी स्थापना जो हुआ था जून 1945 में ICJ की स्थापना हुआ था, लेकिन इसका जो काम जो वर्क जो स्टार्ट हुआ वो 1946 से हुआ, 1946 से हुआ। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, द हेग नीदरलैंड में, और नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, आप इसको याद रखेंगे, एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। और इसमें जजेज की संख्या पूछा जाता है तो वो 15 जजेज हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द यूएन जनरल असेंबली फर्स्ट टाइम इन हिंदी? यानी वो भारत के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिनको कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में की जनरल असेंबली में उसको हिंदी बोलने के लिए फर्स्ट टाइम में मौका मिला था, और उसमें फर्स्ट टाइम वो हिंदी में भाषण दिए थे? तो आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, किस चीज़ के लिए? यूनाइटेड नेशंस में फर्स्ट टाइम हिंदी बोलने के लिए। ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसको याद ना करें। ये जो है अटल बिहारी फर्स्ट
ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको कि फर्स्ट टाइम हिंदी बोलने का, हिंदी में भाषण देने का मौका मिला था जनरल असेंबली में, यूएनए का। कब मिला था? तो ये 1977 में मिला था, 1977 में मिला था, इसको इस डेट को याद रखें। और ये कितनावा जनरल असेंबली था? तो 32 जनरल असेंबली था, यानी 32nd जनरल असेंबली था, यानी 32वां जनरल असेंबली में इसको यूएनओ में हिंदी में भाषण देने के लिए मौका मिला था। तो आप इसको याद रख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द 193rd मेंबर नेशंस ऑफ यूएनओ। यूएनओ में पूछा जा रहा है कि 193 यानी 113वां कौन सा कंट्री इसका मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया है। बता दें आपको एक चीज़ कि अभी यूएनओ में प्रेजेंट में 193 कंट्री ही मेंबर हैं, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा 195, लेकिन दो जो कंट्री हैं वो नॉन परमानेंट हैं, वो परमानेंट नहीं है, इसलिए उसको याद ना रखें। 193 कंट्री को ही याद रखें, यूनाइटेड नेशंस में जुड़ा हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस में लास्ट में जो जुड़ा हुआ है 193वां कंट्री कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो साउथ सूडान आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साउथ सूडान, जो है आपको बता दें कि ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और इसकी कैपिटल जो है साउथ सूडान की जुबा, जुबा इज द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द यूएनओ डे, यानी यूएनओ डे कब मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाया जाता है। आपको भी पता होगा कब मनाया जाता है, 24th अक्टूबर, लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुआ, इसका हेडक्वार्टर ये नहीं पता होगा, ध्यान रखें। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लें। 24th अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था, सैन फ्रांसिस्को जो कैलिफोर्निया में है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है, यानी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड नेशंस ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये जो आपका है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यहाँ पर इसकी स्थापना हुआ था ये बता रहे हैं, हेडक्वार्टर नहीं बता रहे, तो इसकी स्थापना जहाँ पर हुआ था वो जगह बताएं आपको। चलिए 11th का क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ बोथ टर्की एंड ईरान, यानी तुर्की और ईरान का नेशनल फ्लावर पूछा जा रहा है, दोनों का कौन है, तो एक ही है तुलिप, तुलिप जो है यहाँ का नेशनल फ्लावर है टर्की और ईरान दोनों का। तुर्की का कैपिटल अंकारा है और ईरान का कैपिटल तेहरान है, याद रखेंगे। चलिए अब बात है तुलिप जो है ये स्प्रिंग फ्लावर है, यानी ये वसंत ऋतु में खिलने वाला फ्लावर है, आप इसको याद रखेंगे। 12th नंबर का क्वेश्चन है, इन द एंशियंट टाइम्स द रूलर्स ऑफ मैक्सिको वेयर नोन बाय दिस नेम, यानी एंशियंट टाइम में जो मैक्सिको का रूलर्स होते थे, वहाँ का शासक होते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो ओलमेक के नाम से इनको जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SST के व्यू से मतलब हिस्ट्री के व्यू से ये एंशियंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो कि आपके GK में दिया था कि एंशियंट टाइम में रूलर्स मैक्सिको के रूलर्स के किस नाम से जाना जाता था, ओलमेक। मैक्सिको आपको बता दें ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है और मैक्सिको का कैपिटल मैक्सिको सिटी है। चलिए 13th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिस एम्पायर इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ द पर्शियन एम्पायर, यानी ये पर्शियन एम्पायर का फाउंडर कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है एकेमनिड एम्पायर, इसकी जो स्थापना हुआ था 550 BC में, यानी 550 BC में, बिफोर ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ये डेट है, इसी में पर्शियन एम्पायर की स्थापना हुआ था, जो फाउंडर इस एम्पायर के फाउंडर थे। दिस एम्पायर इज नॉन एज फाउंडर ऑफ द पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर को किस और नाम से जाना जाता है जो इसकी स्थापना किया था, एकेमेनिडिक एम्पायर। चलिए 14th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर विच इज़ द लोकेटेड इन एंटार्क्टिका, ये पूछा जा रहा है विच इज लोकेटेड, या पूछा जा रहा है इन विच, या फिर इसको फिर से समझिए, विच इज द, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर विच इज लोकेटेड, विच इज नहीं, ये विच इज लोकेटेड इन एंटार्क्टिका, यानी अंटार्क्टिका में ये कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर
ये अंटार्कटिका में किस जगह मतलब ये कौन सा है, इसका नाम क्या है? तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर जो अंटार्कटिका में पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर। और छोटा जैम, जैम ग्लेशियर जो आपको यहाँ यूएसए में है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज सेकेंड रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में वहाँ साइंटिस्ट लोग वहाँ रिसर्च स्टेशन बनाए हैं। आपको ये जानकारी तो होगी कि अंटार्कटिका में रहना संभव नहीं है, वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं कोई ना कोई रिसर्च करने के बहाने वहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर रिसर्च करने वाले ही लोग जाते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। तो अंटार्कटिका में ये पूछा जा रहा है कि हमारे इंडिया के द्वारा मतलब इंडिया के द्वारा सेकेंड जो है रिसर्च स्टेशन जो बनाया गया उसका नाम क्या है? तो मैत्री, मैत्री जो है ये अंटार्कटिका में बनाया गया साइंटिस्ट के लिए एक रिसर्च स्टेशन है, जो सेकेंड रिसर्च स्टेशन है। अभी पूछ लिया जाएगा कि आपका फर्स्ट रिसर्च स्टेशन कौन सा है, तो यह है दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री इज द इंडियाज फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, और सेकेंड कौन है? मैत्री। क्लियर हो गए होंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द विक्टोरिया फॉल्स? विक्टोरिया फॉल्स का मतलब खोज कौन किया था? तो ये है डेविड लेविंगस्टन, डेविड लेविंगस्टन ये खोज किए थे 16 नवंबर 1855 में, यानी 1855 में, 16 नवंबर 1855 में ये डिस्कवर किए थे विक्टोरिया फॉल्स का। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट? चाइनीज पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, जैसे इंडिया का पार्लियामेंट का नाम है संसद, हम बोलते हैं पार्लियामेंट को, यहाँ संसद है, और उसी तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चाइनीज पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो इसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन 1913? यानी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? सैन फ्रांसिस्को आपको मालूम होना चाहिए यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यानी यूएसए में एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना 1913 में पूछा जा रहा है कौन किए थे? तो लाला हरदयाल, और उसके साथ थे सोहन सिंह बांकना, सोहन सिंह बांकना दो भी आदमी थे जिसको कि साथ मिलके इसका स्थापना किए थे। बाद में ये इसको प्रेसिडेंट बना दिया गया गदर पार्टी का, सोहन सिंह बांकना को प्रेसिडेंट बना दिया गया। और गदर पार्टी की स्थापना की बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर 1913, फर्स्ट नंबर लिख दिए हैं 1913, तो सवाल में ही दिया गया है इसमें स्थापना हुआ था गदर पार्टी की। चलिए आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19वां नंबर, द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन विच ईयर? यानी साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928, यानी 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंच चुका था, यानी 1927 में ही वहाँ पर ये डिसाइड हो चुका था, कहाँ पर? इंग्लैंड में। और ये साइमन कमीशन जो था ये इंडिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ बढ़ रहे थे, मतलब उग्रवादियाँ, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा चीज़ चल रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा जो अत्याचार वगैरह, और यहाँ पर स्पेशली साइमन कमीशन जो था ना, ये आप जलियांवाला बाग हत्याकांड जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में जो बहुत सारे आदमी का मतलब उसमें डेथ हो जाता है, जनरल डायर गोली चलाने का आदेश देता है, तो उसकी सही से मतलब जांच करने के लिए और उसके ऊपर जितने भी होते हैं, उसके बाद सबसे पहले उससे पहले रॉलेक्ट एक्ट लगा, उसके बाद लगा मतलब लगा जाता है, उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट लगाने के बाद ये घटना हो जाती है, तो और भी बाद में असहयोग आंदोलन हो जाता है, तो इस सभी चीज़ में मतलब था कि छानबीन करने के लिए साइमन कमीशन को, यानी ये एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन, उन्हीं के अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है, जिसमें कि साइमन कमीशन को भारत भारत आते हैं, जिसमें से कि यहाँ पर बहुत सारे विरोध होता है इंडिया में, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जाता है, जिसमें कि उसमें ज़्यादातर
उसमें जो उसके मेंबर थे वो सारे के सारे अंग्रेज, मतलब इंग्लिश जो मैन थे, इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज, वो सारे ब्रिटिश मेंबर थे, जिसमें कि हमारे इंडियन मेंबर नहीं थे, जिसमें कि इनको बाहर जाने का, मतलब साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जाता है, जिसमें कि लाला लाजपत राय की उसी में उस समारोह में डेथ हो जाती है, जिसमें कि वो नारा लगाते हैं। तो आप याद रख सकते हैं, मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जा रहा है द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन विच ईयर, तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरेटरी हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, यानी किस यूनियन टेरेटरीज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो अंडमान एंड निकोबार, जिसका कि कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पर 86.93% जो है ये यहाँ पर फॉरेस्ट ही है। और 21st का क्वेश्चन देखते हैं, विच इंसेक्ट इज नॉन एज डेवल्स डार्निंग नीडल्स, यानी किस इंसेक्ट को डेविल्स डार्निंग नीडल्स कहा जाता है, तो ये ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई जो होता है इसको, ये ड्रैगन के जैसे ही बहुत सारा उड़ता है, और एक साथ में ये कम से कम जो होता है ये संख्या बना के मतलब चलता है, और इसका दुनिया में लगभग 3000 स्पीसीज पाया जाता है, और ये इंसेक्ट बहुत ही जहरीला होता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, और ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर यानी फ्रेश वाटर जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पर इसको ज़्यादातर देखा गया है, और उस एरिया में ये ज़्यादातर अपने स्पीसीज के साथ पाए जाते हैं, मिलते हैं ज़्यादातर आपको इन ये वर्ल्ड में इसका लगभग 3000 स्पीसीज यानी प्रजातियाँ, स्पीसीज मतलब इसी का एक काइंड है, प्रकार है, इसी का प्रकार है, लगभग 3000 प्रकार के ड्रैगन फ्लाई पाया जाता है। 22nd का क्वेश्चन है, विच इज द साउथर्न मोस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे दक्षिणतम राजधानी जो है वो कौन से शहर को कहा जाता है, यानी दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर जो है वो कौन सा कैपिटल है, तो आपको बता दें कि ये है वेलिंगटन। आप देखते अगर आप वर्ल्ड मैप देखे होंगे कभी, तो न्यूजीलैंड को देखे होंगे सबसे साइड में कोना में है, और सबसे साउथर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है जो वेलिंगटन है, इसका कैपिटल न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन, और यही है दुनिया का साउथर्न मोस्ट कैपिटल सिटी, और ये जो कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, आपको याद रखना होगा। 23rd क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ USA इज कॉल्ड द गोल्डन स्टेट, यानी किस स्टेट को गोल्डन स्टेट कहा जाता है, USA का कौन सा वो शहर है, कौन सा स्टेट है, तो स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, ये निक नेम है, याद रखेंगे, ब्रैकेट में आपको निक नेम दे दिए हैं, जैसे कि बहुत सारा का घर में अलग अलग नाम रहता है निक नेम, जैसे कि उसी तरीके से इसका भी निक नेम है, तो स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया जिसका निक नेम है गोल्डन स्टेट्स। चलिए 24th का क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सर्जन टू ट्रांसप्लांट द ह्यूमन हार्ट सक्सेसफुली, ऐसा कौन सा मतलब ये था सर्जन जिसको कि जो सबसे पहले ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे वो भी सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सबसे पहले ट्रांसप्लांट करने वाला, हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला सर्जन का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। आप नाम सुने होंगे, आप इनको एक बार देख भी लें, इसका नाम भी देख लें, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑन 3rd December 1967 यानी 3 दिसंबर 1967 को ये हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये एक सर्जन है जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली, यानी UNO में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी, तो ये है विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, आपको बता दें कि ये भारतीय महिला थी, और ये जो है सबसे पहला वुमेन है जो कि यहाँ की प्रेसिडेंट बनी थी जनरल UNO में, तो और इसकी ये कब बने थे, तो ये आपका डेट भी आपको दे दिए हैं एंड ईयर दे दिए हैं 1953 में ये सदस्य बने थे यानी प्रेसिडेंट बने थे UNO यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। 26th नंबर का क्वेश्चन है, कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कालाहारी डेजर्ट जो है ये किस कंट्री में मिलता है, ये पाया जाता है, ये आपका आंसर है बोत्सवाना, बोत्सवाना का कैपिटल गैबरॉन है, बोत्सवाना आपको बता दें ये किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है, ये बोत्सवाना कंट्री ये पाया जाता है आपको साउथ सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 कंट्रीज है, उसी में एक कंट्री है बोत्सवाना, और ये कालाहारी डेजर्ट वहीं पाया जाता है,
और इसकी बोत्सवाना की कैपिटल गैबरॉन, याद रखेंगे। 27th नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड बर्मा नाउ म्यांमार, अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, पहले इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, व्हेन डिड बर्मा अचीव्स इट्स इंडिपेंडेंस, यानी बर्मा यानी म्यांमार को कब आज़ादी मिली, तो ये 4th जनवरी 1948, 4 जनवरी 1948 को इसको आज़ादी मिली। 28th नंबर का क्वेश्चन है, इन 1947 द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडिया वाज अनाउंस्ड बाय विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यानी कौन से वो प्राइम मिनिस्टर थे जो कि इसके पावर को ट्रांसफ़र कर दिए 1947 में, कि अनाउंस कर दिए कि हाँ अब मतलब भारत को पूरी तरीके से आज़ादी मिलने वाली है, और इसको वो मतलब एक तरह से पावर को इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिए, अनाउंस कर दिए कि यहाँ पर अब जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे ये कौन थे, जो कि 1947 में ये घोषणा कर दिए थे कि अब इसी पावर को इंडिया में पार्टिसिपेट होने वाला है, ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये क्लीमेंट एटली, ये उस समय 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली, और यही जो है ये अनाउंस किए थे। 29 का क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, ये चिल्का लेक है जो उड़ीसा में पड़ता है, वहीं पर है चिल्का लेक, और इसमें सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट है। अगर आपको सबसे सॉल्ट वाटर में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सॉल्टी मतलब खारा पानी कौन सा है, तो वो सांभर लेक है जो गुजरात में है, लेकिन अगर लार्जेस्ट अमाउंट में पूछा जाए कि वो लेक का बड़ा के हिसाब से, वो लार्जेस्ट के हिसाब से, तो चिल्का लेक हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि नमक की मात्रा जो है मतलब खारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वो साल्टेस्ट वाटर होना चाहिए सबसे ज़्यादा में खारा में, तो वो हो जाएगा आपका सांभर लेक। सांभर लेक आपको जानते होंगे, ये राजस्थान में मिलता है, सांभर लेक जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, वहाँ पर वो बहुत छोटा है, लेकिन वहाँ का सबसे वाटर जो है सबसे साल्टेस्ट वाटर है, खारा पानी है, लेकिन वो बहुत छोटा है, उसका लार्जेस्ट एरिया नहीं है उस लेक का, लेकिन लार्जेस्ट वाटर सॉल्ट वाटर लेक की अगर बात करें तो ये चिल्का लेक है, जिसका कि बहुत बड़ा एरिया है, और ये उड़ीसा में पाया जाता है। और 30 नंबर का और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है आपको आपका आज का, वेयर इज़ द कोंकणी लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, इंडिया में कोंकणी लैंग्वेज जो है ये कहाँ पर बोली जाती है, तो गोवा में जो है कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, आप इसको याद कर लें। ये 30 क्वेश्चन जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको है, बहुत बहुत ये महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करें, लिख लें। और आपको जो आज का टुडेज वर्क ऑफ यू में दिया जाता है, ये ऑल क्वेश्चन एंड आंसर लर्न इट, इसी क्वेश्चन को आप लिखें, उसको याद करें, जो आप जानते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते हैं उसमें जो फैक्ट बताया गया उस क्वेश्चन के हिसाब से उसको याद करने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, तब तक आप लोग इसको रिविजन करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।